कोई भी ऐसा मैसेज जैसे बैटरी डिस्चार्ज या समथिंग हमको दिखेगा।
एक से फाइनल निकल गया टू फाइव। अभी देखो हमारे पास जरा इस चीज को समझते जाना, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर वाला सेक्शन है जिसको शुरुआत में हम टच कर लिए। आप ध्यान रखिए ये आपके सामने है प्रोपेन। अब आप यहां से हाइड्रोजन निकाल और यहां से हाइड्रोजन, दो तरीका है ना इसमें हाइड्रोजन निकालने का, इंड के किसी कार्बन से हाइड्रोजन निकालना, ठीक है, या फिर आप मिडिल से कोई हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो ये दो तरह का ग्रुप क्रिएट करता है, ये दो तरह का ग्रुप क्रिएट करता है। अगर आप इन से हाइड्रोजन निकालें CH3 CH2 बॉन्ड, तो याद रखना ये कहलाता है नॉर्मल प्रोपाइल। देखना हमेशा तुमको मिलते रहेगा जब आप यूपीएन नोमेनक्लेचर कीजिएगा या बुक्स पढ़िएगा ना, तो आपको लिखा है नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल मतलब ये कार्बन बॉन्ड बनाया है, लेकिन अगर मान लीजिए ये बीच वाला, अगर ये बीच वाला हाइड्रोजन बाहर आ जाए तो क्या हम लोगों के पास ग्रुप ऐसा बनेगा, ये बीच वाला बॉन्ड बनाएगा कहीं भी, इसको आप कहते हैं आइसोप्रोपाइल। और कुछ पॉसिबिलिटी आपको लगता है क्या, क्या और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है यार, कुछ सोचो, बोलो, कुछ दिमाग लगाओ, कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पर? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब आइए चार कार्बन के ऊपर, चार कार्बन को ध्यान से देखिएगा, CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3। ये आपके पास हो गया ब्यूटेन, सही है ब्यूटेन। अब जरा देखना इसमें क्या क्या ग्रुप निकलता है। आप इसका आइसोमर भी बना सकते हैं। पहले तो आप यहां से हाइड्रोजन निकालिएगा तो नाम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल, और इन दोनों में से कहीं से निकालिएगा तो नाम होगा सेट ब्यूटाइल। मेरी बात समझ पा रही? नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, ये दोनों नॉर्मल ब्यूटाइल क्रिएट है एक जैसा, और अगर इन दोनों में से कहीं से हाइड्रोजन निकाले तो सेट ब्यूटाइल क्रिएट। पहले वो दो चीज देख, तो क्या आप लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड आप खोल दिए तो इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल, और अगर आप इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को ओपन कर दिए जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ एक बॉन्ड खोल दिए तो ये हम लोग का सेट ब्यूटाइल। यहाँ तक देखो तो किसी को कोई डाउट, इधर कोई डाउट किसी को कंफर्म ना सर, ठीक ठाक ना? ठीक है, थोड़ा आपको बोर्ड के नजदीक ले जाते ताकि और थोड़ा बड़ा दिखाई दे। हाँ ठीक, तो यहां तक आप लोगों को कोई इशू नहीं है। अब सुनिए, क्या इसका आप चेन आइसोमर बना सकते हैं? ये चार कार्बन का ब्यूटेन है, तीन कार्बन वाला भी तो ब्यूटेन बन सकता है ना, ठीक है, तीन कार्बन वाला ब्यूटेन बनाते हैं। ये वाला नोट हो गया। अच्छा देखो उधर ऑनलाइन में जो है उनको नोट करने का हम तरीका बताते हैं। हम यहाँ से हटेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप है ना कॉपी कर लीजिएगा इसको, ओके, क्योंकि हम इसको अभी स्लाइड कर देंगे। हाँ आप लोग तो समझ ही नहीं करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसी का डी ई, देखो ई उसका, क्या हम लोग उसका चेन आइसोमर में ये बना सकते हैं? बोलो सही, ये उसका चेन आइसोमर है। अब यहाँ पे बताओ तो हाइड्रोजन हटाने का कितना जगह है? इधर साइड में रख सकते हैं, नीचे साइड रख सकते हैं, दो ही जगह, वेरी गुड, एक परफेक्ट आंसर, दो है, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, एक ही, और यहाँ से हटाओगे तो गलत, ठीक है, बस मिल गए। तो देखो
अगर आप इन तीनों में से कहीं से भी, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आप लोगों का टर्ट ब्यूटेन। ये टर्ट ब्यूटेन, अब यहाँ से दो तरह का ब्यूटाइल ग्रुप बनता है, एक होता है सी एच थ्री बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, सी एच टू, आप इससे जोड़ दो, तो इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। और अगर आप बीच वाले हाइड्रोजन को हटा देते हैं, अगर आप बीच वाले हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो इसका नाम होता है टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को यहां पर? नाम कैसे होता है पता चल रहा है? हम लोग ऐसे लिखते रहते हैं, देखना हम लोग है ना फ्रीक्वेंटली इन सबको यूज करते हैं। जैसे हम तुम्हारे सामने लिखेंगे क्या, कि जैसे एक एग्जांपल देखो क्या लिखे, लिख देंगे हम सी एस थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री और यहाँ पे सी एस, ठीक है। इसका नाम क्या लिखोगे, कॉमन नेम बताओ, यूपेक नेम छोड़ दो, कॉमन नेम बताओ, तो इसका नाम क्या लिखोगे? टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, पता चला क्यों? ठीक है, टर्ट वाला ब्यूटाइल ग्रुप है और साथ में उस टर्ट वाले ग्रुप के ऊपर सीएल लगा, तो नाम इसका टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है? अच्छा, अभी इसका हम नाम लिखते हैं, थोड़ा देखते चलना। ये सब आपके रिएजेंट्स की तरह यूज होता है, तो आप लिखिएगा टी ब्यूटाइल क्लोराइड, समझ जाइए टी देख के कि टर्ट का नाम होगा। अच्छा देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे सी एच थ्री बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू के साथ सी एल, बोलो नाम क्या लिखेंगे? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आइसो और ऊपर से ब्यूटाइल क्लोराइड होता है, समझा? अगर मान ले तुम्हारे पास ऐसे लिखा रहा, अगर ऐसे लिखा रहा सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री और यहाँ पे सी एल लगा, बोलो क्या लिखो? आइसो क्यों बोलेंगे? आइसो भी वो सेक है, आइसो नहीं वो सेक है, आइसो तो ये सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया हम लोगों का सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। और बाकी एक समझ जाइए कि अगर हम आपके सामने लिख दें सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू के साथ सी एल, इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। तो देख रहे हो कैसे कॉमन नेम आएगा, हम आपको यूपेक डोमेन के पढ़ा ही नहीं रहे, उसको जब आप देखना होगा देखिए। अभी आप कॉमन नेम कैसे लिखते हो देखिए, इसी में एक और खास चीज है जो सबको याद होना चाहिए, एकदम सबको ही इस पे ध्यान रखिएगा, और वो ये है सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री, इसका नाम है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। सब कुछ इनके बारे में बताया जा रहा है, कॉमन नियोपेंटेन। अब बताओ इसमें कितने जगह से हाइड्रोजन निकाल सकते हो? केवल एक जगह से, तो नाम होगा नियोपेंटाइल, केवल एक जगह से, बाहर बाहर कहीं से भी निकाल दो, बाहर बाहर कहीं से भी निकाल दो, सी एस थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री बॉन्ड सी एच टू और ये रहा, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। क्या बोलता है, समझ आ रहा है? तो यहाँ तक आपको है ना कॉमनली अगर हम कुछ लिखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, इसके बाद देखिए थोड़ा और देखिए अगला एग्जांपल देखिए, देखिए ये बेंजीन फॉर्मूला, बोलो बेंजीन का C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ लगा दो CH3, नाम बोलो, कॉमन नेम बोलो, मिथाइल बेंजीन, कॉमन नेम क्या है? मिथाइल बेंजीन, आप इसको एक और नाम से जानते हैं, नाम है टॉलमेन, ठीक है।
तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम हो गया मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन या दूसरा नाम है टॉलबेन, ठीक है। तो ये बेसिक सा टर्म्स है कि अगर हम कोई नाम लिखते हैं तो उसका लॉजिक मीनिंग क्या निकालते हैं, आप देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ फिजिकल स्टेट इन सब के ऊपर। बताओ क्या करें, कोई ऑप्शन बताओ, नहीं कैसे तो ही ऑप्शन है, हो गया जी आपको का? देखो साइड में क्या है, मिथाइल बेंजीन है ना? हाँ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, ओके। फिजिकल स्टेट, तो एक कार्बन से लेके चार कार्बन तक का जितना भी पर्टिकुलर एल्केन्स है वो सब हमारे पास एग्जिस्ट करता है गैसियस फेज में, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऑल एग्जिस्ट इन गैसियस फेज, ये सब गैसियस फेज में, C5 से लेके C15 तक दे एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, और C16 से ऑनवर्ड ये सब है ना सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये सब सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है, ओके। अब यहाँ पे सुनो, थोड़ा ध्यान से देखो, फिजिकल स्टेट आपके सामने है तो दो तीन चीज और एक्स्ट्रा है, यहीं पे आप देख लीजिए ध्यान से, अगला आता है इसका क्या बोल रहे हो, जादू टोना करने हाँ जादू टोना करें कोई था, ठीक बोला तुम, एक मिनट किसी को ज्वाइन कराना होगा ऐसे होस्ट, देखो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा नया नया चीज है, इमर्जन अब पुराना चीज है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और आप जो आज बॉइलिंग पॉइंट में सीखेगा ना वो लगभग ऑर्गेनिक में हर जगह फॉलो,
जो आज आप बॉइलिंग पॉइंट में सीखेगा वो लगभग ऑर्गेनिक में हर जगह फॉलो होगा, चाहे एल्केन पढ़िए, एल्कीन पढ़िए, एल्काइन पढ़िए, एरोमेटिक पढ़िए, एल्कोहल फिनॉल इधर कुछ भी पढ़िए, जो आज ही अभी आप पढ़ेंगे वो आगे फॉलो होगा। सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट का लॉजिकल मीनिंग बताओ क्या, बताओ जरा बॉइलिंग पॉइंट क्या, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां हम लोग लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसको तोड़ देते हैं और उसको वेपर फेज में देते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड उसको ब्रेक कर देते हैं आप और उसको है ना वेपर फेज में भेज देते, उसी टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बाकी सॉल्यूशन चैप्टर के हिसाब से इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर एंड गैसेस एटमॉस्फेरिक फेज का वेपर प्रेशर सेम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहां सुनो, कोई भी ऐसा पैरामीटर हो जो मॉलिक्यूल के बीच किसी तरह का खास बॉन्डिंग दिखाता हो, अगर मेरे पास किसी का, हम अभी एल्केन नहीं पढ़ा रहे, हम क्या बोले ऑर्गेनिक के हर जगह के बॉइलिंग पॉइंट का तुम आंसर यहां से दे सकते। मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया है जिसमें किसी खास तरह का बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता, उसमें बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता, अगर वो बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा और उसको लिक्विड फेज से वेपर फेज में बदलना भी मुश्किल है। कहने का मतलब क्या है, मान लो जैसे एक जगह हम लोग अल्कोहल चुनते हैं और हम लोग एल्केन चुनते हैं, अल्कोहल और एल्केन, बताओ किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, अल्कोहल में, क्योंकि वहां O के साथ H है, एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, अल्कोहल का, अल्कोहल। कारण है कि वहां एक बॉन्डिंग है जिस वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा है, अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ दिएगा तो आपको ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा कंपैरिजन टू एल्केन, एल्केन में ऐसा बॉन्डिंग नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, इफ एनी कंपाउंड हैव सम वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, सम वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, देन स्ट्रेंथ, देन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। मतलब ये कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जितना स्ट्रांग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जितना वीक होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। समझ में आया यहां तक? अब देखो दूसरा पॉइंट, चलिए सर ये तो आप बता दिए कि अगर एल्कोहल और एल्केन को कंपेयर करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्केन को कंपेयर करना, देखते जाइएगा आप समझिए, हम आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख देते, थोड़ा दूसरा पॉइंट बाद में, कुछ एग्जाम्पल। अगर हम तुमसे बोले कि देखो जी हम लोगों के पास प्रोपेन है और हम लोगों के पास प्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल, बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो अल्कोहल का, क्योंकि वहां इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बन सकता है। तो याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, कारण है एच बॉन्ड का प्रेजेंस, एच बॉन्ड मॉलिक्यूल्स को बांध के रखेगा, तो अगर उसको तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म होना। अब दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हम तुमसे देखते एग्जांपल, अगर हम तुमसे CH3 CH2 CH3 और CH3 CH2 और बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, कहने का मतलब क्या है, यहां एल्केन है और अल्काइल एलाइड है, एल्केन है और अल्काइल एलाइड है, ठीक है। अगर इसमें कंपैरिजन करते अपने से सोचो क्या हो, अल्काइल एलाइड, क्योंकि अल्काइल एलाइड में डायपोल बन रहा है, एल्केन में नहीं, बस समझ लो डायपोल बन रहा है यहाँ, Cl पे माइनस आ रहा है, कार्बन पे प्लस आ रहा है, क्या नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कारण है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, याद आया आपको,
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है यहाँ पर, इस वजह से ये ज्यादा है। अब चलो और देखो, अगर इन दोनों में कंपैरिजन हो जाए तो अल्कोहल, क्योंकि एच बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग है, एच बॉन्ड क्या है ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर हम लोग ऊपर वाले का बात कर ले, मान लो हम लोग CH3 CH2 CH2 OH है, और यहाँ पे हम लोग के पास CH3 CH2 CH2 CL है, तो ये जा कारण है एच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग है, एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं तुम कितना समझता है, जरा देखना। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COOH और अल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH, बोलो कौन स्ट्रॉन्ग, बताओ खुद से सोच के किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। अच्छा क्यों है, क्यों बना सकते दो बना सकता है, दो ये दो तो बना सकता है, ये एक बना सकता है, स्टेबल नहीं, ज्यादा एच बॉन्ड बना पाए। अभी हम लोग स्टेबिलिटी का कहीं बात नहीं किया, हम क्या लिख रहे हैं, अगर कोई कंपाउंड कोई वंडरवाल फोर्स बनाता है तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखना स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के साथ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ दोनों में एच बॉन्ड बन सकता है, हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे मत खड़ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH लेंगे और फिर एक मॉलिक्यूल का OH ऊपर में ले लो, OH ऊपर में ले लो, यहाँ डबल बॉन्ड O और CH2 CH3 ले लो, तो देखो इसके बीच भी H बॉन्ड और इसके बीच भी H बॉन्ड, आप लोगों को दिखाई दे रहा है वहां पर, वहां पे दो मॉलिक्यूल में दो, एक जगह डबल बॉन्ड O और OH के बीच, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O और OH के बीच, और यहाँ OH और डबल बॉन्ड O के बीच टू H बॉन्ड्स, दो H बॉन्ड बने, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, अल्कोहल वाला एक बनेगा CH3 CH2, मान लो यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है, चार एक सी में खत्म कर देना OH, तो दूसरे के एक ही के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ये समझ लो क्या बोल रहे, यहाँ पे एक ही एच बॉन्ड बनेगा जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एक मॉलिक्यूल दो दो एच बॉन्ड बनाए, सो दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉइलिंग पॉइंट हाई, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। वैसे पूरा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक जो आप पढ़ेंगे 11-12 दोनों मिला के, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, कारण इसमें दो दो एच बॉन्ड बने, उससे कम अल्कोहल का होगा, उससे कम एल्डिहाइड कीटोन का होगा, उससे कम ईथर्स का होगा, उससे कम अल्काइल हैलाइड, उसके बाद फिर एल्कीन एल्काइन ये सब आएगा, बस समझे। तो आपके पास बोल दिया गया एक लाइन की फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के साथ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोई भी आपको ऐसा दिखे कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है तो आपको ऐसे प्रोसेस करना है। लेकिन अगर मान लो आगे सुनो अगर सर सब एल्केनी है तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब एल्केन, अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में लगा तो काम करेगा नहीं, तो फिर बात दूसरा, ठीक है उस पर नोट करो इसको अच्छे से, कहीं डाउट है पूछ लो।
कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम आपको अच्छा सा एक फिगर बनाते। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और फिर देखिए H बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर आप तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्ड बनाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्ड बनाएगा, तो आप मान के चलो कि दो एच बॉन्ड बन रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, अभी समझ में आया? यस सर। अब सुनिए, ए हो गया, बी पोर्शन पे ध्यान। फॉर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स, अगर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स है, कहने का मतलब खाली बात आप एल्केन में कर रहे हैं, खाली आप अल्कोहल लिए हैं, खाली कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं, अभी क्या था, पिछला क्या था, अलग अलग तरह का कंपाउंड था, एल्केन और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपके पास एल्केन का ही पांच अलग अलग मॉलिक्यूल, वैसे कैसे याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे आप बताओ मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, किसका मोलर मास ज्यादा है? प्रोपेन का। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ठीक है, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा रिलैक्स करिए, यहाँ पे एक ही बात समझिए। अब देखिए मीथेन से ज्यादा मोलर मास इथेन का है, इथेन से ज्यादा मोलर मास प्रोपेन का है, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन है, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज boiling point increases as molecular mass increases, ठीक है? अब और आगे बढ़ो सर, अगर मान लीजिए ब्यूटेन का ही आइसोमर्स रहा तो, ब्यूटेन का आइसोमर्स समझ रहा ना, चार कार्बन है, तीन कार्बन का चेन, तो क्या दोनों का मोलर मास सेम होगा? देखिए हम क्या हम हो गए, फॉर आइसोमर्स, अरे भाई आइसोमर्स वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मोलर मास भी सेम हो जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस कैसे निकाल पाए थे, मोलर मास अलग था तब ना, अब अगर मोलर मास ही सेम है, जैसे हम तुमको दिखा रहे हैं, देखिए जैसे सबको ध्यान से देखिए समझिए, ये देखिए इसमें पांच कार्बन, इसी का बना सकते हैं हम लोग, चार कार्बन वाला आइसोमर, चार कार्बन मेन चेन में, और इसी का बना सकते हैं हम लोग तीन कार्बन वाला मेन चेन विद आइसोमर। अच्छा बताओ इसमें मोलर मास किसका ज्यादा कम या बराबर, बोलो मोलर मास तीनों का क्या डिफरेंट है या सेम है? तो ना ये रूल आपका काम आएगा, ना पिछला रूल काम आएगा जो आप पहले से पढ़ के रखे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना आइसोमर्स के केस में बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब है मेन चेन में जितना ज्यादा ब्रांच बढ़ेगा, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, मेन चेन में जितना ज्यादा ब्रांच बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, दे आर इनवर्स। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें दो है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका और सबसे ज्यादा, समझ में आया? तो ब्रांचिंग के साथ इनवर्सली, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर तुम बोलो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा ए का है उससे कम बी और सबसे कम सी, ए सबसे ज्यादा उससे कम बी सबसे कम सी, समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट पे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस अर्थे तुमको इतना चीज आना ठीक है, चाहे आप आज के बाद कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काइल एल्काइन कुछ भी पढ़ लीजिए, आपका ये
यही होगा। अभी देखिए जैसे हम आपको पढ़ा के लिख रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा रख दें कि देखो जी ये एक क्लोराइड है, फिर ये एक दूसरा क्लोराइड है, फिर ये एक तीसरा क्लोराइड है, ठीक है, बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको थर्ड रूल लगाना पड़ा ना, बिकॉज दे ऑल आर आइसोमर्स, मोलर मास सेम, बिकॉज सभी अल्काइल हैलाइड है, हैलोएल्केन्स हैलोएल्केन्स है, सब में डायपोल, तो डायपोल को भी आप किसी और से कंपेयर, तो आपको ये थर्ड रूल लगाना पड़ा, एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज ए सबसे ज्यादा, उससे कम बी और सबसे कम सी, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते। चलिए जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मतलब उसके बाद फिर आगे। वॉलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट है थर्ड आपके पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सोच के बताओ तो कौन सा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट क्या, कोई भी चीज मेल्ट होने का मतलब क्या, सॉलिड में कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है उसको तोड़ना और उसको वेपर सॉरी लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आपको यहाँ बहुत सिंपल सा चीज बताया कि मेल्टिंग पॉइंट एल्केन का वही ऑर्डर फॉलो करता है जो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एल्केन में बदलेगा लेकिन एल्केन में कोई चेंज है, तो एल्केन का ही हम बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट फॉलोज सेम ऑर्डर फॉर एल्केन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जैसा उसका बॉइलिंग पॉइंट है वही चीज सेम ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट फॉलो करता है। तो आप एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं। अगला चीज एक और टर्म एग्जिस्ट करता है, नेक्स्ट टर्म एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। देखिए डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल विद नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन। जैसे जैसे आप एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाइएगा, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन आगे सो ऑन सो ऑन सो, जैसे जैसे आप किसी भी एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाइएगा, याद रखिए डेंसिटी बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू 0.8 ग्राम पर एमएल होता है। आपको पता है एल्केन का दूसरा नाम, एल्केन का एक और कॉमन नेम है जो लोअर क्लास में आप पढ़े, कोई बता सकते हैं एल्केन का दूसरा कॉमन नेम? पैराफिन्स, इसको पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स वैक्स टाइप, मतलब मोम की तरह होता, ठीक है,
मोम को कभी पानी तो फेंके क्या होता है? तैरता है या डूब जाता है? फ्लोट करता है, मोम हमेशा फ्लोट करता है। तो आपको जो लाइन बोल रहे सुनिएगा ध्यान से, एल्केन का डेंसिटी नंबर ऑफ कार्बन के साथ बढ़ता है लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू 0.8 ग्राम पर एमएल होता है। तो 0.8 ग्राम पर एमएल कहने का मतलब है कि वाटर का जो डेंसिटी है ना 1 ग्राम पर एमएल उससे कम है। तो अगर उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है तो फिजिक्स का फोर्स ऑफ बॉयंसी कहता है वो हमेशा फ्लोट करेगा। बात समझिए, तो एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्केन डेंसिटी ऑफ एल्केन इज approximately 0.8 ग्राम पर ml less than water so alkanes floats on water alkane जो है वो water के ऊपर float करेगा। एल्केन फ्लोट्स ऑन वाटर, एल्केन जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। क्लियर है? सुनना समझना, क्या हर एल्केन वाटर पे फ्लोट करेगा? क्या क्या इथेन वाटर पे फ्लोट करेगा? क्या इथेन वाटर पे फ्लोट करेगा? तो आप लोग है ना समझते नहीं है, फ्लोट हमेशा कोई सॉलिड करता है, गैस नहीं करता। इथेन गैस है। तो आप मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन इन चारों के केस में आप फ्लोटिंग वर्ड मत मेंशन कीजिए, बोलिए सॉलिबिलिटी, गैस का सॉलिबिलिटी। आप लोग पढ़े लाइक डिजॉल्व्स लाइक बचपन वाला। तो बताओ जी सॉलिडिटी के बारे में थोड़ा, कौन किसमें घुलता है? सॉलिडिटी का एक रूल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बोलो इस रूल का मतलब क्या है? पोलर पोलर और नॉन पोलर नॉन पोलर, उसका मतलब क्या होता है समझाया था ना? दोनों सेम होने चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? स्टेट, सॉलिड सॉलिड में घुल जाए और तो मतलब बताना होगा, लिक्विड लिक्विड में घुल जाए। अच्छा सिस्टर डालेंगे पानी में आपको समझना चाहिए कि सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक होता है पोलर सॉल्वेंट एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर, अभी आप इतना ही सुनिए क्योंकि उससे आगे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। रुकिए हम आपको बता दें, हाँ वेरी गुड, इसी को कहते हैं। तो देखो हमारे पास सॉल्वेंट होता है दो तरह का, ध्यान से देखते चलो। अच्छा आपको एक चीज बता दो, आज जो हम पढ़ा रहे हैं फिर 5-10 दिन के बाद आएगा तो फिर से पढ़ाना है? कंफर्म है नहीं बताना है सब कोई? तो ठीक है अच्छा से पढ़ाते जब एक ही बार एनर्जी लगाना तो ठीक से पढ़ाते हैं क्या? नहीं तो अगर बार बार वाला गारंटी तो थोड़ा बचा लेते कोई दिक्कत नहीं किसी को, एक बार पढ़ा ओके। तो सॉल्वेंट दो तरह का, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट।
देखिए कि आप बोल दिए हैं कि अच्छे से पढ़ाने के लिए, तो देखिए पोलर सॉल्वेंट भी दो तरह का, पोलर सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। छापो तुम भी फोटो खींचो, समझना जरूर, समझे? अगर मान लो बहुत जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं तो अभी पढ़ोगे, लेकिन हमको नहीं लगता है इतना फास्ट कर सकते। पोलर सॉल्वेंट दो तरह, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, नाम में पूरा इंफॉर्मेशन है, बस नाम ठीक से पढ़। पोलर मतलब पोल्स होगा, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन होगा, एच प्लस होगा, जैसे पानी, जो आप पानी का बात करते हैं H बॉन्ड O बॉन्ड H, एक तो इसमें हाइड्रोजन को H प्लस फॉर्म में आप रखते हैं, बोलिए है कि नहीं? हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस फॉर्म में निकल सकता है, और दूसरा इसके अंदर पोल है, नेट डायपोल मूवमेंट है इसमें, नेट डायपोल मूवमेंट। वैसे हम आपको फिर से एक बार बना दें, देखिए एच और एच, देखिए आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पांच बार पढ़ चुके हैं, तो आपको यह आंसर पता है ना कि ऑक्सीजन से बॉन्ड की तरफ मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ डायपोल मूवमेंट होता है ऐसा, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होता है डायपोल मूवमेंट, सही है? तो इसमें एक यूनिट है, यूनिट यहाँ पे नॉन जीरो है, तो जब कभी भी मॉलिक्यूल में यूनिट बच जाएगा ना तो वो पोलर मॉलिक्यूल, क्या है? पोलर, और इसमें प्रोटॉन भी है, दोनों मिला दिए तो क्या हो गया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसी तरह से अल्कोहल भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अल्कोहल मतलब R बॉन्ड O बॉन्ड H, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है? ये भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। दूसरा आता हम लोग के पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें प्रोटॉन नहीं, पोल्स होगा लेकिन एच नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं। तो उस केस में क्या होता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है ईथर, ईथर आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, देखो इसमें पोल्स है, तुम भी समझ पा रहा होगा पोल्स है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो अप्रोटिक अप्रोटिक, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसी तरह एक बहुत फेमस एग्जांपल है, देखो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, नाम सुनना अच्छे से, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है? इसका एग्जांपल देखो एस डबल बॉन्ड को देखो ना, देखो कि हम आपको नाम याद दिला देंगे ना, तुरंत हो जाएगा, याद है? डाई मिथाइल, नीचे देखो दो मिथाइल है, और सल्फो ऑक्साइड, इसमें कोई भी ओ के साथ एच नहीं है, तो इसमें प्रोटॉन नहीं है लेकिन पोल्स है, इसलिए नाम है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है? अब यहां देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसमें पोल्स नहीं, जिसमें पोल्स ना, तो इसका बेस्ट एग्जांपल वैसा मॉलिक्यूल्स होगा सॉल्वेंट वाला जिसमें डायपोल जीरो आए, जैसे बेस्ट एग्जांपल इज BF3, BF3 में अगर आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा ये वाला दिखाई दे रहा उधर सबको, तो यहाँ पे F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, कैसे का डायपोल में जीरो है, इसी तरह CCl4, समझे? कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राहेड्रल मैनर में होगा, और वो सब क्लोरीन जो है डायपोल एक दूसरे को कैंसिल करेगा, उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, ठीक है सॉल्वेंट। इसी तरह CO2, इसी तरह CH2, CO2 का स्ट्रक्चर बोलो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग,
हम लोग हाँ सब लीनियर सी डबल बॉन्ड को एक साइड दूसरे साइड डबल बॉन्ड को तो दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो ठीक है सी एच टू ऑल्सो हैव सेम सी एच टू का मतलब हो गया कार्बन डाइसल्फाइड ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट बहुत अभी अभी देखो तुम जब कोई क्वेश्चन लिखते हो ना तो उसके अंदर देखो ये कैसे आता है अभी तुम इस चीज को समझना थोड़ा हम ये क्वेश्चन हम एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन लिखना चाहते हैं ताकि आपको ये चीज समझना है लिखते कैसे जैसे अगर आप रिएक्ट कराएंगे सी एच टू या टू है डबल बॉन्ड सी एच टू को ब्रोमीन के साथ तो साथ में रहेगा सीसीएल फोर ये सीसीएल फोर लिखा हुआ है इसका मतलब समझ रहा है कि ये रिएक्शन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्वेंट में सर ऐसा क्यों सर नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्यों हो रहा है सर कारण ये है कि ब्रोमीन होता है लिक्विड ठीक है और इथीन होता है गैस अब वो कैसे होगा तो भाई इथीन है हमारा लाइट डिजॉल्व लाइट देखो कितना अच्छा ऑर्गेनिक है ना अपने आप को है ना प्लांट करता समझना इथीन है एक ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर में घुलेगा मतलब ये भी लिक्विड में चला जाएगा ब्रोमीन डाल दीजिए हो गया अंदर रिएक्शन बस समझ गए तो ये तरीका होगा अब आप यहाँ पे पानी नहीं लिख सकते पानी लिखिएगा अलग तरह का प्रोडक्ट बनने लगेगा ठीक है CCl4 में अलग प्रोडक्ट है पानी लिखते हुए अलग चीज देखो यहाँ खेलो वहां पानी तुम लिखा जहां तो ध्यान रखना कि वो H+ और OH दे सकता है तो ये H और OH भी यहाँ जाके काम करेगा इतना तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे आपको रटना नहीं पड़ेगा आप समझते हैं अच्छा ठीक है CCl4 का ही लिखा आप किसी को पता नहीं कुछ CCl4 का रोल क्या है तो रटेगा ना कि एरो के ऊपर बी आर टू लिखना एरो के नीचे सीसीएल अगर सीसीएल को ऊपर लिख दिया बी आर टू लिखते गलती हो तो ऐसा है नहीं वहां चीज सोचना तो सीसीएल को का रोल क्या है बी आर टू का रोल क्या है सब सोचना ठीक है तो अब देख भाई यहाँ होता है लाइट डिजॉल्व्स लाइट का मतलब ये है कि एल्केन हम लोगों का नॉन पोलर सॉल्यूट है उसमें पोल्स नहीं आता डायपोल नहीं होता किसी और तरह का पोल्स है नहीं तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट वो Bn3 में डिजॉल्व होगा वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व होगा लाइक दैट ठीक है उसको आप पानी में डिजॉल्व नहीं कर सकते उसको आप अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं कर सकते हाँ इधर चलेगा देखा भी होगा पिछले दिन चला था उस रिएक्शन इस सब में इधर उधर आ रहा था क्यों आ रहा था समझ में आ रहा ठीक है इस कारण से क्लियर यहाँ तक नोट कीजिए हाँ बोलो ना मैंने कोई एग्जांपल बोले भी किए हैं ना बोले पेपर समझा ठीक कर ले थोड़ा नोट कर लो फिर हम इसको थोड़ा उधर से लाइन में कर नोट कर लो दिख रहा है ना देखो जी यहाँ पे क्या बता रहे थे ना बोल रहे थे
कि आप आखिर किसी गैस और लिक्विड के बीच रिएक्शन कैसे कराते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस गैसियस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए वैसा ही एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज इथीन इज नॉन पोलर सॉल्यूट, तो आपको सॉल्वेंट भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ही लेना पड़ेगा। तो आप जब इथीन को CCl4 में डालिएगा ना, तो इथीन उसमें घुल जाएगा क्योंकि वो नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब आप उसमें लिक्विड ब्रोमीन डाल दीजिए, तो ये दोनों में रिएक्शन हो जाएगा, आगे प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये एक अलग बात है, उसके बारे में अभी कोई चर्चा हम लोग नहीं करने वाले, लेकिन हम आपको सॉल्वेंट का रोल बता रहे। बोलो समझ में आया अभी? यहाँ पे कहीं आप एक लाइन लिख लीजिए, कहीं भी मेंटेन कर लीजिए, ऐसे अच्छा सा बॉक्स बना के लिख दीजिए, एल्केन एल्केन्स आर, एल्केन्स आर नॉन पोलर, वहीं पे कहीं बॉक्स बना के लिख लो, कहीं भी एल्केन्स आर नॉन पोलर सॉल्यूट, सो दे जनरली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सो दे जनरली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूट। एल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर सॉल्यूट, सो दे जनरली डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? चलिए, तो डेंसिटी भी हो गया, सॉल्युबिलिटी भी हो गया। वैसे आपको पता है कि जो लोअर एल्केन्स होता है, लोअर एल्केन्स, देखिए आपको और भी अंदर ले जाए, लोअर एल्केन्स जो होता है वो पानी में डिजॉल्व करता है, ठीक है, जैसे मीथेन इथेन ये सब है ना, थोड़ा पानी में डिजॉल्व करता है। लेकिन जैसे जैसे किसी एल्केन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, उसका सॉलिडिटी घटता है। फिर से सुनिए, हम पहले बात क्या बोले आपको कि देखिए भाई एल्केन्स अगर पानी रख दो और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट रख दो, तो एल्केन ज्यादा है ना नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जैसे बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्लियर, बेंजीन में भी तो कोई डायपोल नहीं बचे। अब अगर हम तुमसे बोल दें कि नहीं हम पानी में ही घोलेंगे, पानी में ही उसको डिसॉल्व कराएंगे, पानी में ही हमको सॉल्युबिलिटी चेक करना है, तो जो लोअर एल्केन्स होता है उसका पानी में अच्छा सॉल्युबिलिटी होता है, और जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटते जाएगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटते जाएगा। आपको पता है जो एल्केन वाला पोर्शन दिखते हैं ना कार्बन वाला, वो हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वो पानी में नहीं जाता, जैसे हम लोग ठंडा में नहाते रहते हैं। तो जब भी हम हमारे पास है ना कोई लार्ज नंबर ऑफ कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम। एक लाइन और लिखो नीचे, सबको लिखते चलो थोड़ा थोड़ा, एक लाइन और लिखिए, फॉर एल्केन्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर decreases, solubility in water decreases as the number of carbon increases solubility decreases, okay, solubility in water decreases. चलो ठीक है, तो यहां तक आपके पास एक बड़ा सेक्शन था वो कवर हो गया। अगले दिन जब आपको इससे आगे लेके चलेंगे, नेक्स्ट डे सुनो, नेक्स्ट डे है ना सबको ही जो आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाया गया प्लीज पढ़ के, ठीक है, जितना आप पढ़े हैं उतना तो आ ही जाए, उसमें कुछ ऐड नहीं होगा। अगर आप पढ़ के रखिएगा तो हम उसमें ऐड कर पाएंगे, और अगर पीछे ही वाला आप नहीं याद रखेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो हाँ बोलो जी, नेक्स्ट डे बोले हाँ।
थैंक यू। ठीक है, अब सुनिए, इस सैटरडे को है ना आप लोग को अपना नोट्स कॉपी जमा करना। ठीक है, सारा सब्जेक्ट मतलब मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री है अपना अपना। अच्छा ठीक है, एक करके जमा कीजिए, कोई इशू नहीं। आप पीडीएफ भेज दीजिएगा, जो लोग नहीं आ पा रहे वो लोग पीडीएफ भेजेंगे, अगर सेंटर पर आएंगे तो आप हम देख पाएंगे, तुरंत देख के हम आपको लौटा देंगे, कोई इशू। ठीक है, लेकिन नोट्स कंप्लीट होना जरूरी है। और एक दो चीज, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए, अब बन रहा है हमको देखना है, कोई है जो हमको दिखा रहा है? हाँ, जैसे सूरज है वो भी दिखा रहा है, हाँ तुम भी दिखा रहा है, बिल्कुल, लेकिन बहुत कोई नहीं दिखा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग है ना सबको है ना उसको बना के